हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। रिजर्वेशन हमेशा से ही डिबेट का मुद्दा रहा है। भारत कई सारे सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन देता है, जॉब्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और कई सारी स्टेट्स और सेंट्रल स्कीम्स, जो कि समाज को बराबरी के स्तर पर लाने का प्रयास करता है। ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स को इकोनॉमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल कोटे से इन सबको आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया जाएगा? अब समय आ गया है कि चुनावी लाभ के लिए रिजर्वेशन के दायरे का लगातार एक्सपेंशन करने की भारतीय राजनीतिक दलों की नीति को रोक लगाया जाए। साथ ही यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि आरक्षण सामाजिक आर्थिक समस्याओं का रामबाण इलाज नहीं है। कहीं सारे पैरामीटर्स के आधार पर रिजर्वेशन देने के बजाय सरकार को एजुकेशनल क्वालिटी और इफेक्टिव सोशल अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स लाने की जरूरत है, जो शायद समाज में सोशल इक्वालिटी लाने का काम करेगी। तो आज हमारी डिबेट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की, जब हम बात करते हैं जिन्हें कोटा हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है, दिया गया है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ग्राफिक्स की ओर नजर डालते हैं और क्या कुछ सवाल है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जुड़े। जहां जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की आबादी जो है वो 18.2% है। तो इसी बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का कोटा जो है 2019 के अंदर दिया गया, और ये चैलेंज जो है हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। तो आर्टिकल 15(6) में आर्टिकल 16(6) का अगर बात करें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर क्या कहता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वेलफेयर स्कीम है, क्योंकि एक तरफ कोटा तो दिया जा रहा है, लेकिन अगर बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए तो क्या सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी हैं, तो क्या कोटे से ये पूरी समानता आ जाएगी। साथ ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या कहता है संविधान, ये बहुत बड़ा सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा से संविधान का उल्लंघन होता है, यह भी आपके बीच में सवाल होगा। तो आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब रहेगा। लेकिन सिस्टम के सामने कौन से बुनियादी सवाल थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिस्टम में किस तरीके से बदलाव लाया जाए जब हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा। जब हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान इस पर क्या कहता है, तो चलिए करते हैं चर्चा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, संदीप बंसल हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, रवनीत सिंह जोशी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से, प्रियंका राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं सामाजिक कार्यकर्ता, दीपक बारा हमारे साथ ट्राइबल लीडर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। संदीप बंसल जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा मेरा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% कोटा जो है रहेगा, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी संदीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संदीप जी तक मेरे ख्याल हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं रवनीत जी के पास आना चाहूंगी, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। सर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इस पर रोशनी डालते हुए आप बताइएगा कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजर्वेशन का ये उल्लंघन करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों के बीच में है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सवाल आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार जो है सवाल उठाया जा चुका है जी। और इन्हीं सवालों का जवाब जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में देने की कोशिश भी की थी, जिसमें साफ तौर से कहा था कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब बुनियादी सवाल ये खड़ा हो गया है, ईडब्ल्यूएस की जब अमेंडमेंट 103rd अमेंडमेंट जो 2019 में लेके आई है सरकार, उसको अभी हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट से भी जो है प्रमाणित कर दिया है, मान्यता मिल गई है, अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि वो जो 50% रिजर्वेशन डिक्लेयर हो गई है कि उससे ऊपर नहीं करना, ये 10% एडिशनल होगा या ये उसमें इंक्लूड होगा? अब इंक्लूड होगा, बिल्कुल सही। अब अगर इंक्लूड होगा तो जो व्यक्ति ऑलरेडी रिजर्वेशन पा रहे थे, एससी एसटी ओबीसी फ्रीडम फाइटर, अलग अलग कैटेगरीज में ऑलरेडी उनको रिजर्वेशन थी, उनको जितनी नंबर ऑफ सीट्स अलॉट हो रही थी रिजर्वेशन के तहत, वो तो क्या उनकी सीट्स पे इम्पैक्ट होगा? तो डेफिनेटली उनकी सीट्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा।
उनकी सीटों में कटौती होगी, क्योंकि ये 50% के अंदर ही इसको जो है कहीं ना कहीं 10% को भी एडजस्ट करना है। तो ये जो है कॉम्प्लिकेशंस अभी आ चुकी हैं, और इनका जो है संविधान कैसे होगा ये मूल रूप पे तब हमें समझ आएगा जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी आने वाली एजुकेशनल में इंस्टीट्यूट्स में एडमिशंस के अंदर जब इसको रखा जाएगा, और क्या दिक्कतें वहां सामने आएंगी ये उस रूप में जो है हमें दिखाई दे दिया जाएगा। आपके पास आना चाहूंगी मैं संदीप जी, आशा करती हूँ आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। 10% कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए किस तरीके से आप इसको देखते हैं? फैसला है जी और उस क्षेत्र के लिए जहां पर सामान्य वर्ग प्रताड़ित होता रहा है बहुत वर्षों से, निश्चित रूप से भारत सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है और संपूर्ण देशवासियों को इसका खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए और खास तौर पर उस क्षेत्र के सभी लोगों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो आता है, ऐसा व्यक्ति वहां चाह करके भी नहीं रह पा रहा, अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा पा रहा, उसके लिए एक अवसर है कि वो उस 10% आरक्षण का लाभ लेकर के और अपने परिवार को स्थापित करे, अपने जीवन को स्थापित करे और अपने जीवन को और अपने भविष्य को अच्छा बनाए। इसलिए सभी वर्गों को बजाय ये सोचते हुए कि इससे किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है या क्या हो जाएगा तो इससे इसका हित प्रभावित होगा, हमको सभी को वहां पर अवसर देना चाहिए कि वो अपने जीवन को लेकिन अच्छा बना अभी सकें। संदीप जी आपके जो लोग सामने ही भाग रहे हैं रवनीत वो जी भागे मैं नहीं वहीं जी रहे। आपके सामने ही रवनीत जी मौजूद हैं और उन्होंने ये बात कही कि संविधान में ये बात कही गई है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जो है वे नहीं हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो 50% के अंदर ये 10% रहेगा? अगर रहेगा तो फिर जो बाकी रिजर्वेशन है उनकी सीट जो है वह कम होते हुए नजर आएंगी, और अगर बढ़ेगा तो फिर संविधान कहता है कि 50% से ज्यादा तो हो नहीं सकता। जी देखिए, आरक्षण तो एक विषय है, वो अलग है। सवाल इस बात का है कि ऐसी विशेष परिस्थिति में ये नियम भारत सरकार ने लागू किया है कि समाज के उन वर्गों को भी जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जो बैकवर्ड क्लास है या जो हमारा शेड्यूल कास्ट है और जो रिजर्वेशंस में आ रहा है लेकिन वो उससे भी कहीं नीचे जाकर के चले गए हैं, तो ऐसे लोगों को भी समानता का और बराबरी का दर्जा मिले, इसीलिए ये सरकार का निर्णय है और ये निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हर भारतवासी को, हर देशवासी को इसका स्वागत करना चाहिए और इसको एडजस्ट करना चाहिए इसके मुताबिक कि भाई चलिए ये अवसर इनको भी मिले, ऐसे लोगों को भी मिले जो कमजोर हैं आर्थिक रूप से, वो बराबरी के दर्जे पर आए, जी जैसे कि हम आपके पास लोग संदीप जी बैकवर्ड के वापस लिए लौटती हूँ जाते मैं, हैं, दीपक शेड्यूल जी कास्ट आपके के लिए पास जाते आना हैं। चाहूंगी, ट्राइबल लीडर हैं आप, 10% कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? अभी आपने अधिवक्ता जी रणवीर उनकी उन बात सुनी, रवनीत जी के साथ ही संदीप जी ने जो कहा, आपका इस पर क्या ओपिनियन रहेगा? निश्चित ही रूप से ये मतलब स्वागत योग्य कदम है। हर एक तरीके के जब हमारे संविधान में बराबरी को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, तो ये सबकी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है कि लोगों में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से बराबरी लेके आए। तो जी निश्चित ही स्वागत है इस कदम का कि 10 लेकिन सर प्रतिशत आपको आरक्षण बता इकोनॉमिक दूं का सोशल कि सेक्शन जो ये होगा। 10% कोटा मिल रहा है, आपने बराबरी का जिक्र किया, तो 10% जो कोटा मिल रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें एससी ओबीसी और एसटी नहीं रहेंगे, उनको नहीं मिलेगा ये 10% कोटा? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं। अब यहाँ पर ये दूसरा बात आता है कि ये इन सारे जो भी आपको प्रावधान मिल रहे हैं वो कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं। अगर जहां तक बात हो ट्राइबल लोगों की, अभी अगर ट्राइबल लोगों को आरक्षण है और उनके लिए बजट में भी स्पेशल प्रावधान है, जैसे कि जिसको बोलते हैं हम लोग टीएसपी और एससीपी, जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है दलितों के लिए और ट्राइबल लोगों के लिए, वो कितना हम लोगों तक पहुंच पाता है ट्राइबल लोगों पर, वो दलितों पर वो पैसा कितना खर्च हो पाता है, अगर ये हिसाब लगा करके देख लिया जाए तो सरकार की मंशा में कमी नहीं है। नीचे आते आते वो कहाँ धुल जाती है, शायद अधिकारियों को भी पता नहीं रहता है कि इनके कल्याण के लिए पैसे अधिकारियों को पता आवंटित नहीं है। रहता। तो कार्यावरण अच्छा प्रियंका जी कार्यावरण आपके पास आना कार्यान्वयन बिना चाहूंगी, जब पता नहीं अधिकारियों को पता रहता है कि नहीं रहता, ये बहुत अपने आप में बड़ा सवाल है। तो प्रियंका जी सवाल सिर्फ इतना है, क्या कोटा देने से, क्या केवल कोटा देने से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन
इम्प्रूव हो जाएगा, उनकी अपलिफ्टमेंट हो जाएगी। मैं समझती हूँ शायद सोशल वेलफेयर स्कीम ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। पहले ही जैसे बताया गया है 50% पहले ही है, और अगर 50% से हम ज्यादा देते हैं तो इंद्राणी जो केस था उसमें आपका संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया गया था अगर 50% से हम ज्यादा देते हैं तो। अब ठीक है, आप कह रहे हैं कि 10% हम एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन वो किस बेसिस पे? अभी ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है जो आपका 8 लाख रुपए सालाना से आपकी आय जो है वो कम होनी चाहिए, उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं अगर आप देखें तो। उसमें आपके पास जो लैंड होना चाहिए, जो आपके पास फ्लैट होना चाहिए वो 1000 स्क्वायर फीट से आपका कम होना चाहिए, आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी आपका 5 एकर्स से कम होना चाहिए। तो इसमें अगर आप सालाना रूप से अगर आप 8 लाख से कम आय भी देखते हैं तो आप एवरेज लगा लीजिए 65,000 के आसपास आपका मंथली पड़ेगा। तो क्या इसको हम वीकर सेक्शन बोलेंगे? क्या वो उसमें आता है, कैटेगरी में आता है? तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं सरकार के पास। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये खराब है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पहले इसको। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है प्रियंका जी, आप मेरा सवाल नहीं समझी। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, एक तरफ कोटा, ऑलरेडी इतना सारे रिजर्वेशन है, हर वक्त डिबेट चलती रहती है रिजर्वेशन के मुद्दे के ऊपर, क्यों इसे कॉम्प्लीमेंट करना? क्यों ना अगर रिजर्वेशन की अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें, क्या अपलिफ्टमेंट हो पा रहा है? इससे बेटर ये ना किया जाए कि एजुकेशनल लोन्स जो है वे दिए जाए बच्चों को, रादर देन उनको कोटा देने की बजाय। जी बिल्कुल, और देखिए कोटा से अभी मैं कहती हूँ अभी कोटा हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो आप जो कोटा देने की बात कर रहे हैं स्वर्ण को, अभी तो उन्हीं में इतना ज्यादा डिवाइड हो जाएगा कि आधे लोग, अब आप देखिए जाट जो है हरियाणा में वो आरक्षण मांग रहे हैं, राजपूत हैं राजस्थान में, गुजर हैं, इस तरह से बहुत सारी जातियां हैं जो ऑलरेडी मांग रही हैं। तो वो इसमें अभी इतना ज्यादा जो है लोगों के अंदर विरोध उत्पन्न होगा, जो उनको ऑलरेडी मिल रहा है, जो जाट यादव जिनको पहले से मिल रहा है वो कहेंगे जी हम क्यों छोड़ें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और चैलेंजेस हैं, इससे अच्छा है कि अलग अलग से स्कीम बनाई जाए वीकर सेक्शन के लिए और उनको उसी स्कीम के थ्रू बेनिफिट पहुंचाया जाए, ना कि कोटे में आप जातियों को बांटना और आरक्षण में लोगों को डिवाइड करना, इससे और ज्यादा विरोध उत्पन्न होता है। और मैं ये कहूंगी कि अभी इसको पहले सॉर्ट आउट और बहुत अच्छे से प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि पहले जो ये बेंच थी वो 13 जजेस थे वो डिसाइड करते थे, अभी 5 जजेस की जो कमेटी है उसने ये डिसाइड किया है। तो ये भी अभी चैलेंज होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको बहुत देख करके और इनमें बहुत सारी चीजों को आपको देख करके तब ये सब कोटा करना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरह से जल्दबाजी में। रवनीत जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल। ये जो एक्सक्लूजन की है SC ST OBC की 10% जो कोटा है, इसके ऊपर आर्टिकल 14 और 15 क्या कहता है, जरा इस पे भी रोशनी डालिए। कि जो 14 और 15 है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात करता है, ताकि इन इन सेक्शंस को जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है जो पहले आ जाता है 15 क्लॉज 4 जो है, ये इनको इंक्लूड करने की बात करते हैं कि चाहे वो नौकरियां हैं चाहे वो प्रमोशंस हैं उनके दौरान जो है SC ST OBC इन सब कैटेगरीज को, ST को, इन सब को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इनके लिए जो है रिजर्वेशन रखनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो नया एडेड प्रोविजन है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात जो कर रहा है, उसमें कहा गया है कि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो है 10% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन इसमें जो क्लॉज 4 और 5 में दिए गए हैं आर्टिकल 15 के 4 और 5 जो स्पेसिफिकली OBCs, ST SC SC इन सब कैटेगरीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो जब इन्होंने अमेंडमेंट किया उसमें क्लेरिफाई कर दिया कि इनको ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूट के अंदर तो ये बोला है कि लॉन्ग स्टैंडिंग और जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस बेस्ड ऑन कास्ट हो रहा है उनको रिजर्वेशन दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये है, और इसके साथ में ये भी आइडेंटिफाई किया गया है कि ये जो लोग हैं इनको देनी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो ये रिजर्वेशन का जो है क्राइटेरिया ये लिमिटेड पीरियड के लिए किया था, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसको जो है लिंगर ऑन भी करते रहे हैं, इसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, आगे ही आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये उससे कहीं आगे बढ़ चुका है, जो डाउनट्रोडन और उनको उनकी अपलिफ्टमेंट की बात होती थी उससे कहीं कहीं बड़ी चीज ये बन चुकी है। अब ये तो एक पावर में रहने की बात तो वही आ जाती है ना सर, क्रक्स तो फिर रवनीत जी यही बात आ गई ना, अभी हम इसी बात पे बात कर रहे हैं कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स बेटर ऑप्शन है रादर देन आप कोटा जो है दे रहे हैं।
क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए कोटा जो है भी डिसाइड किया गया था, और अभी भी अगर हम देखते दलित की अगर हम बात कर रहे हैं, एससी ओबीसी की बात कर रहे हैं, वहां पर अभी भी अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, मे बी हमें नई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। जी संदीप, संदीप जी इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, आपके पास वापस लौटती हूँ रवनी जी, क्या कहना चाहेंगे संदीप जी, क्या सोशल वेलफेयर स्कीम एक बेटर ऑप्शन नहीं है रादर देन रिजर्वेशन? मुझसे पूछ रही हैं? जी संदीप जी आपसे ही मेरा सवाल है। हाँ आपका सुझाव अच्छा है निश्चित रूप से। सर मेरा सुझाव नहीं है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जी संदीप जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसे देखिए। ट्राइबल लीडर हमारे साथ दीपक जी हैं, दीपक जी आपसे ही मेरा सवाल रहेगा, सोशल वेलफेयर स्कीम्स और एक तरफ रिजर्वेशन, विच इज अ बेटर ऑप्शन? क्योंकि अभी रवनीत जी ने बात कही टाइम पीरियड के लिए रिजर्वेशन को रखा गया था, लेकिन अभी भी अपलिफ्टमेंट जो एक बहुत बड़ा सवाल है एसटी ओबीसी के बीच में। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर टेक्निकली रिजर्वेशन है तो टेक्निकली उनके हिसाब से योजनाएं भी फॉर्मुलेट होनी चाहिए जो होती भी आई हैं। मेरे हिसाब से मुख्य मुद्दा है कि इन योजनाओं का कितना कार्यान्वयन हो जाता है, उसका इवैल्यूएशन कभी होता है कि नहीं, और अगर इवैल्यूएशन होता है उसके प्रति क्या रेजोल्यूशन लिए जाते हैं, ताकि जो भी गैप्स अभी आप मेंशन कर रही हैं कर रहे थे कि गैप्स हैं अभी भी एससी एसटी ओबीसी के डेवलपमेंट में, तो क्या गैप्स को भरने के लिए क्या इन योजनाओं के ऊपर में ओवरलुक भी किया जाता है कभी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक एलोकेशन दे लोगे, एक सामाजिक बहुत अच्छी अच्छी सामाजिक योजनाएं हैं, आप नरेगा देखिए, नरेगा का कार्यान्वयन जो कि सभी लोगों के लिए है नरेगा, उसका क्या हालत है आप उसकी समीक्षा करें तो समझ सकते। योजनाएं तो तमाम है, कई एक योजनाएं हर सरकार नई योजना लेके आती है, लेकिन उन सारी योजनाओं में उन वीकर सेक्शंस के लिए भी वो कोटा निर्धारित भी होता है, ये भी कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन असल बात है कि इसका जमीन पर कार्यान्वयन होता है कि नहीं, ये आज का एक बड़ा मसला है। संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी, आशा कर रही हूँ आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, क्या कहना चाहेंगे, आपको सवाल पता है। जी एक तरफ सोशल वेलफेयर स्कीम और दूसरी तरफ कोटा, सरकार ने पहल की है और ये पहल जब जमीन पर उतरेगी तो इसका सही। लेकिन संदीप जी आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे, सवाल मेरा ये है कि कोटा रिजर्वेशन तो बहुत ही सालों से है, कलेक्टिवली होलिस्टिक काम करने की क्या आवश्यकता है कि अभी जिस तरीके से दीपक जी ने बोला कि रिजर्वेशन तो आपने बना दी, लेकिन साथ में अब योजनाएं कितनी लेकर आ रहे हैं उन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ये सवाल है मेरा आपसे, क्या सिर्फ रिजर्वेशन से? अभी पीछे सैक का मैं आपको डेटा बता रही हूँ, गरीब और गरीब हो गया है, अमीर और अमीर हो गया है, मैं नहीं बोल रही है, डेटा बोल रहा है। जी संदीप जी हाँ, तो मैं तो आपकी बात से सहमति व्यक्त कर रहा हूँ कि हमें और ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ताकत दे, और ये जो रिजर्वेशन प्रणाली हमारे देश में चल रही है इसमें कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकली वीकर है वो वीक होता चला जा रहा है। मैं 100% आपकी बात से भी सहमत हूँ और यथासंभव हम भारत सरकार से अपनी सरकार से आग्रह निरंतर यही करेंगे कि पूरे देश में ऐसा सेक्शन जो पिछड़ता जा रहा है, वो जाति धर्म जो रिजर्व है जो रिजर्वेशन पा रहा है वो तो चलिए कहीं कहीं एडजस्टमेंट कर रहा है, लेकिन जो रिजर्वेशन नहीं पा रहा है वो बहुत नीचे होता चला जा रहा है। तो मैं आपकी बात पर सहमति व्यक्त कर रहा हूँ और निश्चित रूप से इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा, ऐसा मैं विश्वास मानता हूँ। रवनीत जी आपके पास आना चाहूंगी, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि एससी ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर क्या कहता है, तो सिन्हो कमीशन की एक रिपोर्ट है जो कहती है 82% जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, आई रिपीट 82% वो एससी एसटी ओबीसी के हैं, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो ऑलरेडी सशक्त हो रहा है। बिल्कुल, ये देखिए ये वो सेक्शन को सेटिस्फाई करने की कोशिश है, पॉलिटिकल कोशिश है, जो अलग अलग वर्ग है लेकिन वो इन जो है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज में नहीं फॉल करते, लेकिन वो भी रिजर्वेशन चाहते हैं। लेकिन अब इंपैक्ट देखिए, अब इसके लिए जो आपने वाजब सवाल उठाया कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने से क्या इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हो जाएंगे, सवाल केवल यही नहीं है, सवाल इससे बड़ा ये भी है कि ऐसे लोग जो रिजर्वेशन के बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिस जिस फील्ड में वो जा रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड भी हम मेंटेन कर पा रहे हैं सर्विसेज का इन व्यक्तियों को इनकल्केट करके
सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में और चीजों के अंदर इनकलकेट करके, क्योंकि रिजर्वेशन साफ तौर पे ये कहती है कि आप जो है अगर कम नंबर भी लेके आ रहे हैं तब भी आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। मेरिट के साथ टक्कर है डायरेक्ट, और उसमें मेरिट कहीं ना कहीं सफर करती है। अब बात ये है कि इससे क्या स्टैंडर्ड जो है उसमें फर्क आएगा? एजुकेशन की बात है, सरकार ने ऑलरेडी एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री कर रखी है, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर हो या ना हो वो मिल रहा है। लेकिन उसके बाद की जो हायर एजुकेशन की बात है, जब आप बेसिक आपने वो प्रोवाइड एजुकेशन कर दी है, उसके बाद मेरिट पे आप अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स में, हायर एजुकेशन मतलब स्पेसिफिक प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे आप, आप डॉक्टर्स बनेंगे, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएंगे, कोई स्पेशल एग्जाम्स क्रैक करेंगे, लेकिन उसमें रिजर्वेशन से क्या होगा? ये प्रोफेशनल सर्विसेज में भी अगर आपके प्राइमरी एजुकेशन जो आपको फ्री मिली है वो लेने के बाद भी आप जो मेहनत करके अच्छे नंबर नहीं ला पाए, उसके बावजूद भी आपको अच्छे कॉलेजेस में जो है वो भी मिलेगा, और उसके बाद जब नौकरी लेने के लिए जाएंगे चाहे आपके तब भी वहां मेरिट में आप कम हो, लेकिन आपको रिजर्वेशन के थ्रू आपको जो है उन नौकरियां भी प्राप्त कराई जाएंगी। तो ये किस दिशा में जा रहा है? ये वाकई में हम स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश को इन्हीं लोगों ने आगे, इन्हीं बच्चों ने देश को आगे भी बढ़ाना है। अगर शुरुआत में ही हम इनको इस रूप में, इस दिशा में लेके जाएंगे, अनडाउटेडली कुछ होंगे क्षेत्र जहां रिजर्वेशन की जरूरत है, लेकिन वही जो मापदंड क्या है, पैरामीटर्स क्या है, क्या इस रिजर्वेशन से वो मूल रूप में जो हमने अचीव करना है, देश की उन्नति और तरक्की की बात है, वो मेरिट के कैंडिडेट्स को लेके होगी या फिर रिजर्वेशन के थ्रू अगर हम भरमार कर लेंगे? बहुत बहुत सही सवाल आपने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल आपने रवनीत जी उठाया कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है। प्रियंका जी क्या समझ रही हैं आप, हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है? बहुत रवनीत जी ने बहुत सही बात जो है अभी कही है, अगर आपने सुनी हो। जी बिल्कुल, और रवनीत जी ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि आप एजुकेशन की बात करते हैं तो अगर आप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, अभी भी स्कूल में EWS कोटा के अंदर अगर आप एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे तो प्राइवेट स्कूल वाले बहुत ही जद्दोजहद, बहुत कंप्लेन करने के बाद एडमिशन लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको, सारे जो आपके पुराने लूप होल्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि क्या इनमें कितनी कमियां हैं और क्या ये इम्प्लीमेंट होते भी हैं। आप बना तो देते हैं, आप नए नए संशोधन भी कर देते हैं, लेकिन वो जमीनी हकीकत में क्या है? लेकिन प्रियंका जी सच तो ये भी है, अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, 92% हमारी जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रही है, 5% ऐसे लोग हैं जो केवल इनकम टैक्स भर रहे हैं। तो आप EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अब इसका प्रमाण देना भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। जी प्रियंका जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, और यही मैं आपको पहले भी बताना चाह रही थी कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। अभी आपने 8 लाख से नीचे की बात की है, उससे भी नीचे नीचे के लोग, इसमें बहुत सारे हमारी पॉवर्टी लाइन जो है बहुत अलग अलग डिफरेंशिएट करती है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की जातियां हैं, उनके अंदर बहुत वीकर सेक्शन है, तो उनको आप कैसे डिफाइन करेंगे, उनको आप किस तरह से बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और सही मायने में क्या हमारे बच्चे जो वीकर सेक्शन से आते हैं या जो परिवार आते हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा? तो बहुत सारी चीजें हैं, मनरेगा की बात हुई, बहुत सारी स्कीम ऑलरेडी है EWS पहले से इंस्टीट्यूशंस में है, क्या उनका बेनिफिट मिल रहा है, कई जातियों को ऑलरेडी रिजर्वेशन। तो जी क्या आप ये समझ रही है कि रिजर्वेशन के सिस्टम में अभी जिस तरीके से रवनीत जी ने बोला कि हम विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं, तो हम किस तरीके के भारत को बनाना चाह रहे हैं, मेरिट के बेसिस के ऊपर या रिजर्वेशन के ऊपर? ये बहुत बड़ा विजन है अपने आप में। बिल्कुल, और देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं, क्योंकि मैं पेरेंट एसोसिएशन से भी लिंक्ड हूँ, बहुत सारे बच्चों की ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं जब मेडिकल में जब नीट क्वालिफाई करते हैं या जी में क्वालिफाई करते हैं, और वो जो मतलब ये होता है कि जो सही में उसको डिजर्व करते हैं वो लोग रह जाते हैं, और जो रिजर्वेशन वाले बच्चे जिनकी बहुत कम, जो बिल्कुल बहुत कम परसेंटेज लेकर के आए होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो उनके अंदर भी एक डिमोटिवेशन होता है, और फिर वही बात आती है कि आगे क्या हमारी क्वालिटी, क्या हमारी क्वालिफिकेशन, वो स्टैंडर्ड जो हम लोग देना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, क्या वो हम कर पाएंगे आरक्षण की? संदीप जी, संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी, सिस्टम के आप व्यक्ति हैं, स्टेक होल्डर हैं इस पूरे व्यवस्था के, कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है भारत जब हम ये बात बोलते हैं, तो क्या रिजर्वेशन के बेसिस के ऊपर या फिर मेरिट के बेसिस के ऊपर? रवनीत जी ने सवाल उठाया और बेहतरीन सवाल उठाया, क्या विजन है हमारा लॉन्ग टर्म? दो बातें हैं, एक है विश्व गुरु तो बनेंगे हम अपने ज्ञान के बल पर, और वो तो हम बन रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के
कार्यकाल में भारत का मस्तक जितना ऊंचा हुआ है पूरे विश्व के पटल पर, ये किसी से छुपा नहीं है। ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा विश्व कह रहा है, ये विश्व के तमाम शक्तिशाली देश कह रहे हैं जिन्होंने आज तक कभी भारत का नाम नहीं लिया। सर, ईडब्ल्यूएस पे क्या कहना चाहेंगे आप, वक्त का अभाव है हमारे पास जी। यहाँ पर मुझे लगता है आप कहना चाहती है कि हमको भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, जो हम मूलतः थे और हमें लूट करके जो विदेशी आक्रांता आए, समय समय पर बहुत से लोग आए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरिट के बेसिस पे बनेगी या रिजर्वेशन के बेसिस पे मिलेगी? क्या सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लाने की जरूरत नहीं है? बनेंगे हम अपने ज्ञान के बल पर, हाँ विश्व गुरु बनेंगे हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के बल पर। तो सर, ज्ञान की तो बात कर रहे हैं अभी, यही बात तो बोली सर रवनीत जी, अभी यही बात तो ज्ञान के ऊपर बोली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर ही तो ये 10% कोटा होगा ना, और ऑलरेडी भी जो कोटा एग्जिस्टिंग है। अभी प्रियंका जी ने आपको बोला कि बच्चों के बीच में एक डीमोरलाइज बच्चे फील करते हैं जी, बोलिए फाइनल 30 सेकंड सर, फाइनल कमेंट आपकी तरफ। चिड़िया बनना चाहते हैं तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, जो हमारे देश में जो हमारी सरकार है उसका विजन है सबका साथ सबका विकास सबका विकास। चलिए संदीप जी, प्रियंका जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से 30 सेकंड्स जी। प्रियंका जी आप हाथ रेज कर ली थी, 30 सेकंड्स बोलना चाहूंगी। डीमोटिवेशन इतना है कि आप चेक कीजिए कि कितने बच्चे जो हैं जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं अपनी कैपेबिलिटी होने के बाद, और कितनी सुसाइड होती है, तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और जो एजुकेशन है कम से कम उसमें सिर्फ अपनी काबिलियत के बल पर अगर बच्चे आगे बढ़े तभी फायदा है, आरक्षण के बल पर आप जितना उनको कोटा देंगे या कुछ है आपकी जो है क्वालिटी खराब ही होती जाएगी। मुझे लगता है उनको स्किल डेवलपमेंट वो सब चीजें आपको करानी चाहिए एजुकेशन में, उनको किस तरह से आगे बढ़ावा देना है, उनको कैसे बेटरमेंट एजुकेशन क्वालिटी। आपने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन की जो गुणवत्ता है क्वालिटी जो है वो रिजर्वेशन से और कैसे खराब होगी, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए एजुकेशन आरक्षण के बल पे आप किस तरह से, अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, देखिए जो हमारे अधिवक्ता जी बैठे हैं रवनीत जी, उन्होंने पहले से ही आपको क्लियर किया कि भाई अगर आप, मैं जहाँ तक समझती हूँ, अगर मैं आपकी बात को प्रियंका जी सही समझ पा रही हूँ, आपने जो ये स्टेटमेंट दी जी, प्रियंका जी आपने जो ये स्टेटमेंट दी कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो डिटोरिएट होगी, खराब होगी, क्योंकि एक बच्चे को तो लगेगा मेरे पास तो रिजर्वेशन है, मुझे इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे को तो इतना कोटा मिलेगा, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कल को नौकरी मेरे लिए पड़ी हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। आज हमने बात करी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर हम जिक्र करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की बात करते हैं कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे अगर उन्हें कोटा दे दिया जाएगा, सोशल वेलफेयर स्कीम्स कितनी महत्वपूर्ण है, योजनाओं का साथ में आना कितना जरूरी है, एजुकेशन के ऊपर काम करना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी तो कोई कोटा काम करते हुए नजर नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।